जिम्मेदारी संभाली है संदेश ने। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं दीपक और प्रफुल की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। चार ओवरों का मुकाबला, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, पावर प्ले का बंधन जारी। संदेश की पहली गेंद, इसी बीच ये गेंद, पहली गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। एक रन जरूर मिलेगा, एक रन के साथ यहां पर दीपक ने खाता अपना जरूर खोला है, अपनी टीम के लिए एक रन जोड़ने में सक्षम और कामयाब रहे। और श्री कृष्ण कोल क्षेत्र का श्री गणेशा एक रन के साथ होता हुआ, एक रन इससे पहले की मैचेस हमने देखी, 40 रन हो या फिर 40 रन के ऊपर रन का टारगेट हो तो काफी डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे धूप कड़क हो रही है वैसे वैसे बल्लेबाज अपने रंग दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े स्ट्रोक जड़ने में कामयाबी जरूर मिल रही है। और इस वक्त टॉस जीतने के बाद एमसीसी के कप्तान ने जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया है वो निर्णय कितना खरा साबित होगा ये देखने वाली बात जरूर, क्योंकि श्री कृष्ण कोलचेत की टीम की अगर बात करें तो इनकी बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग मानी जाती है। कोलचेत के रहवासी हैं और बड़े हिट लगाने में माहिर हैं ये सभी खिलाड़ी। इस बीच ये गेंद, इस बार करारा प्रहार किया, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं और पहले विकेट का पतन होता हुआ दीपक जैसे बल्लेबाज एक रन बनाकर पवेलियन की राह लौटते हुए। दीपक जैसे एक होनहार बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। थोड़ी सी ओवरपिच गेंद थी लेकिन टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग में थोड़ा सा यहाँ पर फर्क जरूर देखने मिला। स्ट्रोक बेहतर था लेकिन लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी तैनात थे, खूबसूरत कैच यहाँ पर लगता हर्षद ने बेहतरीन कैच, विकेट का पतन हुआ और दीपक जैसे एक सेट बैट्समैन, एक होनहार बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। अब दीपक की जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज अमित प्रफुल की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेदर क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते हैं। इस वक्त देखना है कि टेनिस क्रिकेट के फॉर्मेट में किस तरीके का इनका प्रहार होगा, किस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे अपनी टीम की ओर से। संदेश ने पहला रन देकर दूसरी गेंद पर एक मैसेज दिया, संदेश दिया, विकेट लिया। इस बीच ये गेंद, इस बार थोड़ी सी घूमती हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद में थोड़े सा फिरकी वाले अंदाज दिखने मिला और गेंद डॉट के रूप में रही। संदेश तीन गेंदों में मात्र एक रन खर्च कर एक विकेट हासिल किया है। अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन संदेश द्वारा। इस बार ये गेंद, इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। आउटफील्ड की अगर बात करें तो बिल्कुल आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो इस ग्राउंड की मानी जा रही है, इस कारण सिर्फ दो रन मिलेंगे, दो रन से ज्यादा कुछ नहीं। दो रन के साथ स्कोर ने लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है तीन रनों पर। स्कोर कार्ड पर इस वक्त स्कोर तीन रनों पर दर्शाता हुआ, एक विकेट के नुकसान के बाद दो गेंदे अभी भी संदेश की आना बाकी हैं। संदेश ने अच्छी शुरुआत देने की जो कोशिश की थी अब तक के खरे साबित हुए हैं, तीन रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार प्रफुल्ल। इस बीच ये गेंद, इस बार बेहतरीन गेंद रही, टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल उछाल के साथ साथ गति का मिश्रण और गेंद डॉट के रूप में, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद डॉट के रूप में रही। अंतिम और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार प्रफुल्ल। संदेश निकल पड़े अपने बॉलिंग मार्क से, इस बार फिर से एक बार ऑफ ब्रेक, थोड़ी सी कट करती हुई गेंद, विकेट के लिए अपील की गई लेकिन ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई। लगभग एक ओवर की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कोलचेत की टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ मात्र सिर्फ ओनली तीन रन एक विकेट के नुकसान के बाद। पावर प्ले में किफायती भरी गेंदबाजी, आजकल हमारे हिंदुस्तान में काफी महंगाई बढ़ चुकी है लेकिन कम खर्चीला ओवर करने वाला गेंदबाज वो है संदेश, एक विकेट देकर लेकर तीन रन खर्च किए। अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी की और लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की, ये जरूर कहा जाएगा। इस वक्त कुणाल मुकादम को गेंद सौंपी गई है, कुणाल मुकादम लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। कुणाल मुकादम
कुणाल मुकादम परफेक्ट ऑलराउंडर, परफेक्ट ऑलराउंडर इसलिए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस करने वाला एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बिल्कुल है। इस वक्त कुणाल मुकादम गेंदबाजी की जिम्मेदारी पर सामना करने के लिए तैयार है। अमित, अमित की अगर बात करें घंटे घंटे शरीर के हैं, लंबे हिट लगाने में माहिर हैं और अमित इस वक्त अब जाकर सामना कर रहे हैं एक ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाज का। चलिए समय के मामले में सहयोग करना है एमसीसी, पावर प्ले का बंधन छूट चुका है, फील्डिंग पूरी तरीके से डीप में तैनात कर दी गई है। लेग साइड की व्यू रचना देख सकते हैं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट मिड ऑन, उसी तरीके से शॉर्ट मिड विकेट, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में तैनात, उसी तरीके से लॉन्ग ऑफ कवर्स और डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इस तरीके से फील्डिंग की व्यू रचना इस वक्त नजर आती हुई, सामना करने के लिए तैयार अमित। अमित की अगर बात करें, अगर इनके रेंज में गेंद आती है, इनके स्ट्रोक पर गेंद आती है, इनका बल्ला अगर चलता है तो रनों की रन संख्या तेज जरूर होगी। इस बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, कामयाबी, हाथ लगती हुई गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था इस बल्लेबाज के पास क्षमता है, इस बल्लेबाज के पास टैलेंट है और ये बल्लेबाज इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है और पहली गेंद पर इन्होंने खाता खोला वो भी सिर्फ 6 रनों के साथ, यानी एक बड़े हिट के साथ अपना खाता खोला। बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य जिस तरीके से बात की जाए सन 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना खाता खोला था क्रिस गेल ने 6 रनों के साथ, उस तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिला। 6 रन के साथ यहां पर खाता खुला और स्कोर ने लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार कुणाल, सामना करने के लिए तैयार विस्फोटक बल्लेबाज, रनों की मशीन, बड़े हिट लगाने वाले बल्लेबाज अमित। एक और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन जरूर दौड़कर पूरा करना चाह रहे हैं और 2 रन वहां पर मुकम्मल कर लिए हैं। वहां पर जो दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं, फील्डर मैच का आनंद ले रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप दीवार के ऊपर बैठ जाए, मैच का आनंद दीवार के ऊपर चढ़कर ले सकते हैं ना कि दीवार के नीचे बैठकर। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा थोड़ा सा सपोर्ट करना है, दीवार के पास से आप लोग हट जाएं, रनों की यहाँ पर जो रफ्तार होती है वो तेज हो जाती है दर्शकों के वजह से, तो प्लीज थोड़ा सहयोग करें, सपोर्ट करें। इस बार ये गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद जाती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा लेना चाहते डायरेक्ट विकेट का बटन होता, प्रफुल की इनिंग की समाप्ति। प्रफुल की अगर बात करें तो प्रफुल ने 4 गेंदों का सामना किया, 2 रन मुकम्मल किए, हवा उनके पक्ष में नहीं है क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, इसलिए यहाँ पर निर्णय लिया गया कि यहाँ पर प्रफुल अपना विकेट जाया करें, तो ये विकेट वेस्ट किया है प्रफुल ने और प्रफुल की अब कमी पूरी करने जाएंगे नए बल्लेबाज गौरव। न्यू बैट्समैन गौरव को भेजा गया है, बिल्कुल हमारे बीच जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की है निखिल ठाकुर जी आ चुके हैं, वेलकम सर, सुस्वागत, आपका हार्दिक स्वागत है। सुशांत मुकादम बर्थडे ट्रॉफी 2018, आपका सहयोग आपका प्यार इसी तरीके से इस टूर्नामेंट पे बरकरार रहे, हम यही आशा और उम्मीद करेंगे। पहले ओवर की अगर बात करें तो संदेश का मतलब होता है मैसेज और मैसेज उन्होंने दिया सिर्फ 3 रन का, पहली ओवर में 3 रन खर्च किए। कुणाल आए, कुणाल ने पहली गेंद पर 6 खाने के बाद अच्छी वापसी की उम्मीद जताई है, लेकिन डेंजर बैट्समैन इस वक्त अमित बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित की अगर बात करें तो ये बल्लेबाज अगर 4 ओवरों तक के विकेट पर खड़ा रहा तो रनों की रन संख्या काफी ज्यादा देखने जरूर मिल सकती है। इस बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ,
ये खिलाड़ी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लग रहा है। अब इस वक्त अगर इनकी गति को स्लो करना है तो फिर गेंदबाजी में कुछ ना कुछ पहनापन लाना होगा, गेंदबाजी में कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्निक यूज करनी होगी, जब जाकर इस बल्लेबाज को रोका जा सकता है, क्योंकि ये बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में है। हमने इन्हें देखा है परफॉर्मेंस करते हुए, ये सीजन में ये बल्लेबाज का बल्ला काफी बोल रहा है। अगर इन्हें शांत करना है तो सूझबूझ के साथ सर पे बर्फ रखकर यानी ठंडे दिमाग से यहाँ पर उन्हें गेंदबाजी करनी होगी, नहीं तो ये बल्लेबाज ना आओ देखेंगे ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि इस वक्त ये रनों के भूखे हैं। इस बीच ये गेंद इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन हो गए, कंडना था सिक्सर, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, अमित ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। स्कोर की अगर बात करें तो मानो स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर। एक गेंद अभी भी आना शेष, कुणाल मुकादम काफी महंगे गेंदबाज के रूप में साबित होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर में। इस बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, लगभग 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 23 रन, और 23 रन में अगर बात करें तो मात्र 20 रन यहां पर वन मैन शो किए हैं बल्लेबाज अमित ने, 3 रन सिर्फ योगदान रहा है टीम का और 20 रन यहाँ पर वन मैन शो यहाँ पर इन्होंने मुकम्मल किए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। दो ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन पहले बल्लेबाजी करती हुई श्री कृष्ण कोलक्षेत्र की टीम। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा सत्याई स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा वर्सेस रंजीत स्पोर्ट्स कासरवड़ोली। तो दोनों ही टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों ही टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए इनिंग की समाप्ति के बाद ताबड़तोड़ हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। रंजीत स्पोर्ट्स कैप्टन श्रीकांत गोयल, उसी तरीके से सत्याई स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए आना है, ये चीज ध्यान में रखें। इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है खुद एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी सुशांत मुकादम। अगले ही संडे हमने देखा बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी इनके हाथ में नजर आई थी, और बेस्ट बॉलर क्यों मिला था, इन्होंने पहली गेंद पर ही ये जलवा जरूर दिखाया है। कांग्रेस चषक 2018 कोपरी में 1 लाख की इनामी राशि वाले टूर्नामेंट में अपने नाम की छाप छोड़ने वाला बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल करने वाला गेंदबाज सुशांत मुकादम इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। इस बीच ये गेंद, इस बार ये ललचाती हुई गेंद थी, बिल्कुल गेंद डॉट के रूप में रही, और इस डॉट के साथ साथ आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ बल्लेबाज अमित ने देखा, लेकिन अंपायर पत्थर के सनम होते हैं, उनके सामने आप गिड़गिड़ाओगे तो बिल्कुल डिसीजन नहीं मिलेगा, जो डिसीजन होगा वो डिसीजन आप तक के जरूर पहुंचाएंगे। सुशांत मुकादम की अगली गेंद, इस बार ये गेंद सम्मान आने के बाद थोड़ी सी उछल लेती हुई गेंद गेंद डॉट के रूप में, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, इन्हें क्यों मिला था मैं बिल्कुल बेस्ट बॉलर का खिताब। ये देखिए 3 गेंदें एक ऐसे बल्लेबाज को उन्होंने खड़ा कर दिया जो जिनका बल्ला तोल मोल के बोल रहा था। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ कर बैठे, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, अच्छी लाइन और लेंथ से थोड़ा सा भटकते हुए इस वक्त नजर आए, गेंद डॉट के रूप में जरूर है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार सुशांत अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद जाती हुई बिल्कुल डिक्लेयर जोन की ओर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 25 रन। सुशांत मुकादम के आने के बाद रनों की रन संख्या मानो थम सी गई हो, रुक सी गई हो, काफी कम रन खर्च किए,
चार गेंदों में मात्र दो रन। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर 100 या 120 की स्पीड में दौड़ रही हो, उसे कंट्रोल के साथ साथ उन्हें रोकने का काम करते हैं वो है स्पीड ब्रेकर। उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने मिला, स्पीड ब्रेकर का काम किया इस वक्त सुशांत मुकदम की गेंदों ने। इस बार ये गेंद फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं। एक और गेंद डॉट के रूप में, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक गेंद अभी भी आना शेष सुशांत मुकदम की। सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से अमित। इस बार चतुराई भरा स्ट्रोक, उन्हें पता है अंतिम और आखिरी छह गेंदे मुझे ही खेलना है तो स्ट्राइक मैं अपने पास रखूं, इसलिए चतुराई दिखाते हुए एक रन मुकम्मल किया और ओवर की समाप्ति। सुशांत मुकदम ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, मात्र रन खर्च किए 3 रन और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 26 रन। बॉबी बॉल काट रहे हैं, हाँ बैटिंग साइड आपको रुको, काम संगते वाले खावाला भाकरिया जाम कर तू विचार नाही जुत्या म्हणजे नाही मुठ्या दोन जुत्या त्या परत असते गेली ती दोन कोणत्या खपल्या सांगत भी नाही ना बनवा बरोबर लाइन आ रहे बाबे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है इस वक्त गेंदबाज बॉबी ने। स्मार्टी फेस गेंदबाज बॉबी सामना करने के लिए तैयार अमित। इसी बीच ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, करारा प्रहार, गेंद हवा में, कुणाल गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं करना चाह रहे थे लेकिन कैच हाथों से छूटी, 2 रनों के लिए दौड़ लगी, कामयाबी जरूर हाथ लगती हुई। इस वक्त में कैच छोड़ना वो भी एक डेंजर बैट्समैन की काफी भारी पड़ सकता है, ये विकेट काफी भारी पड़ेगा। स्कोर 28 रनों पर। ये विकेट अगर मिलता तो फिर नए बल्लेबाज आते, उन पर दबाव होता, उन पर प्रेशर होता, एक दो गेंदें शायद डॉट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर इस खिलाड़ी को जीवन दान देना ये भारी पड़ेगा जरूर एमसीसी स्पोर्ट्स को, क्योंकि क्रिकेट की परिभाषा है टेक द कैच एंड विन द मैच, पकड़ो कैच जीतो मैच, अगर आप छोड़ोगे कैच तो छूट गए मैच। बॉबी अच्छी लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद डॉट की, उसके बाद दूसरी गेंद पर कैच उड़ा, तीसरी गेंद लेकर सज्जे होते हुए, लेकिन अगर बात करें तो धूप काफी तेज है और धूप में दौड़ लगाने के बाद अगर आप पानी पीते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठकर पानी पीजिएगा, नहीं तो आपके पेट में तकलीफ हो सकती है। ये हम साइंस के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि धूप में दौड़ लगाने के बाद आपकी सांस फूलती है और खड़े खड़े पानी पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। बॉबी फिर से एक बार सज्जे होते हुए सामना करने के लिए तैयार अमित। इसी बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, गेंद हवा में, नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई, कोशिश अच्छी थी लेकिन 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। अंतिम और आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है, 3 गेंदें अमित आना शेष है, मैं बता दूं जरूर बॉबी की, बॉबी अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अमित को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से सुशांत ने कंट्रोल में रखा था अमित को, उसी तरीके से इस वक्त बॉबी अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच ये गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी लेकिन कंट्रोल
होना जरूरी, संयम होना जरूरी। पेस पर अगर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर एक्स्ट्रा के रूप में रन जरूर देखने मिलते हैं। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला, लेग स्टंप के बाहर गेंद को कर बैठे और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अंपायर की भूमिका में एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को यहाँ पर खड़ा किया गया है, अयूब शेख। इसी बीच ये गेंद, इस बार नजदीकी मामला हो सकता था, डेड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, डॉट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। मंकी विकेट लेने की कोशिश जारी थी लेकिन नाक्या में भी हाथ लगती हुई अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार बॉबी अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार ये गेंद, अंपायर के इशारे का इंतजार, अंपायर का इशारा, अंपायर प्लीज अपना डिसीजन क्लियर करें। बॉल काउंट है, डेलिब्रेट अयूब, डेलिब्रेट, यस सर। डॉट गेंद यहां पर घोषित की गई है क्योंकि बल्लेबाज का कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, अगर मूवमेंट करते तो फिर यहां पर गेंद पर रन मिल सकता था, इसलिए डेलिब्रेट घोषित की गई गेंद और डॉट बॉल। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, दो रन जरूर पूरे किए हैं। तीन और आखिरी गेंद, स्कोर की अगर बात करें 34-34 रन, अंतिम और आखिरी गेंद पर क्या होगा ये देखने वाली बात जरूर, कितने रन का टारगेट यहां पर सेट करेंगे ये देखने वाली बात जरूर। कदमों का इस्तेमाल किया, व्हाट अ हिट, क्या बात है, डांसिंग डाउन द ट्रैक और गेंद पर मोहर लगी 6 रन। इसलिए मैंने कहा था इसको जीवन दान देना काफी भारी पड़ेगा, इस खिलाड़ी का कैच छूटना ये भारी पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा था। चलिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन, जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है 41 रनों का। एमसीसी स्पोर्ट्स इस लक्ष्य को पार करने में कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं, हम जरूर देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट मैच के लिए, नेक्स्ट मैच यहाँ पर खेला जाएगा।